बसमिल मैं हूँ सैबिक आजम आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब नाजीन अहम ख़बरें आपके सामने रखता हूँ इमरान खान साहब पर कातलाना हमले की जो आदिल साहब खबर दे रहे हैं उस पर तफ़ी से बात करते हैं इसके अलावा तीन बड़े इस्तीफ़े आ रहे हैं ये तीन लोग कौन हैं इनकी इस्तीफ़े आने की वजूहत क्या है स्टेट बैंक के पास इस वक्त कितने पैसे मौजूद हैं इसकी तफसीत जो है होश उड़ा देने वाली और एक ताती बात भी मैंने आप लोगों से करनी है आज आपके सामने रखनी है और सोशल मीडिया को रोकने के लिए हुकूमत का नया प्लान आज़ाद कश्मीर में वजारत उमा की आपको पता है जंग शुरू हुई सबसे पहले बड़ी मीटिंग्स हुई हैं जिनमें दस जून को बजट पेश करके सोलह जून को कौमी असम्बली तहलील करने की तजवीज़ है इस पर जरदारी साहब और कुछ लोग तो तैयार हैं और ये बात उन्हें कर दी लेकिन नून ली के साथ दो अहम शख्सियात इस पर बिल्कुल मुतफ़ नहीं हैं मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत के आपको पता है सौ दिन पूरे होने के बाद कोई सरकारी मुलाजिम दस्तख़त या दस्तख़त तहरीर शुदा कोई काम उसका जिम्मेदार वो खुद होगा गैर कानूनी काम होगा ये वो नहीं कर सकते तरीकान साफ़ निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ पटिशन भी दे चुकी है और इसमें देखिए शहबाज शरीफ को ये बात समझ नहीं आ रही कि उसकी अपनी भतीजी मरीम नवाज उसे नायल करवाना चाहती हैं ताकि ये नायल हो और ये रास्ता साफ हो इलेक्शन हो और उसके इसलिए बहुत सारे लोगों के इस्तीफ़े आने की उम्मीद आपको ये तीन बंदे जिनकी इसको जो शदीद दबाव में शीत परेशानी में और ये बात उसका ज़ैनी दबाव हार्ट अटैक का बायस भी बनता है उम्मीद आप समझ गए होंगे मैंने आपको थोड़ा कह के ज़्यादा बता दिया ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ जा रहे हैं इस्तीफा देने दूसरा गवर्नर स्टेट बैंक ये इस्तीफा देंगे और तीसरे शहबाज शरीफ साहब ये वारदात इस अंदाज में तैयार की जा रही है कि सबसे पहले आप देखें कभी कबार शहबाजरीफ को तो इस तरह फारे करेंगे वो अकेला बैठ के सोचेगा मेरे साथ हुआ क्या है जब वो बैठ के डॉट कनेक्ट करेगा ना उसे अंदाजा होगा लेकिन थोड़ा सा माजी में चले जिया साहब ने नारा लगाया था हमारा इस्लामी पाकिस्तान मुशरफ साहब ने कहा नहीं नहीं हम रोशन सबसे पहले पाकिस्तान और अब पी डी एम की हुकूमत ने नारा लगा दिया हमारा पाकिस्तान पाकिस्तान तो क़ायदे अजम ने अवाम का पाकिस्तान करार दिया पहले पुराना पाकिस्तान था फिर नया पाकिस्तान अब हमारा पाकिस्तान पाकिस्तान तो वो जहाँ हकूक हो हों लोगों के आज़ादी इजहार का हक हो आयन की पासदारी हो कानून की बालादस्ती हो इंसानियत हो बदमाशी ना हो आयन के मुताबिक इलेक्शन हो करप्ट लोग ना हुक्मरान हो बल्कि वो जेलों में बैठे हों हर अपनी घर को अपनी हदूद में रह कर काम करे और रोटी कपड़ा मकान का ना भुटो ने लगा मंजन बेचा पाकिस्तान खपे का ज़रदारी ने लगा बेचा और अब बिलावल हमारा पाकिस्तान ये बिलावल की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ वज़र अजम बनने की इस पर सारी गेम इस वक्त लगी हुई है ये नारे अपनी जगह हकीकत देखें जब मुल्क दो लख्त हुआ जस्टिस मुनीर का नज़रिया आया फातमा जिनाह की तजलील की गई जमहूरियत गिराई गई इस्लामी जमूरी एतहद आई जी आई बनाई गई फिर नवाशी को लॉन्च किया गया फिर कराची को लहूल्हान किया गया फिर जहादे अफगानिस्तान फिर हिरोइन कल्चर क्लशनकोफ कल्चर फिरका वारियत ड्रोन हमले ये सब कुछ आपने देखा वो तमाम बातें आपने देखी जिन्होंने ये वर्दातें करवाई वो कहाँ गए आज आज उनमें से एक किरदार तो दुबई में मस्जिद की पहली सफ में खड़े होकर नमाज अदा करके ये सोच रहे हैं बल्कि इतकाफ़ में भी जा रहा है आखिरी तीन दिन वो ये सोचना चाहता है कि जितने भी मा, मामलात हुए हैं उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है ये लोग कहाँ हैं लंबी छोटी बात मैं नहीं करता वह सिर्फ आपको तीन छोटी भारत उन्नीस सौ तिरानवे में आई एफ़ को गुड बाय कर चुका है उनका ज़र मुबादला छः सौ अरब डॉलर और अठारह मुल्कों में वो अपनी करेंसी में तजारत करने जा रहे हैं जबकि हम आई एम एफ के सामने उल्टे सीधे नाच नाच के पागल हो गए ज़र मुबादला हमारा मांगता कि कोई दो अरब डॉलर का भी नहीं रहे रुपया हमारा अफगानिस्तान नहीं मानता ऐसा वो नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार हालत ये हो चुकी है और पी डी एम ने यह कर दिया ये चार चार मरतबा हुक्मरानियाँ कर हैं। अभी दो सूबों में इलेक्शन के लिए इक्स अरब नहीं है कहते हैं और अब पूछे तो कहते हैं हम तो रियासत बचाने आए हैं स्टेट गवर्नर स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा इस पैसे की बड़ी वजह उनके पास उन्होंने बता दी है तमाम फिक्र दे दिए हैं जिसकी वजह से अब इलेक्शन होंगे और हैरान कर दिया कभी अभी इलेक्शन के लिए इतने पैसे पड़े स्टेट बैंक ने कहा हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट में एक खरब चालीस अरब से ज़्यादा फंड्स मौजूद हैं पता इलेक्शन के लिए फंड्स का कभी भी कोई इशू नहीं है यूनाइटेड नेशन ने अब जो एक बड़ी रिपोर्ट की है जिसमें पाकिस्तान की कंपनी को पाकिस्तान की बल्कि सबसे बड़ी बिजनेस कंपनी को जिनका नाम आपको पता है दो हज़ार सत्रह दो हज़ार अठारह में उनके पास एक सौ सतासठ अरब की छूट लेते रहे वो उनकी चालीस कंपनियाँ और भी हैं उस बड़ी कंपनी की तो दौलत उनकी टोटल पूरे पाकिस्तान पर वो काब है मतलब इतनी बड़ी कंपनियाँ वो अंदाज़ा करें कभी कभी मैं सोचता हूँ ये शरीफ जरदारी फैमिली ये बिल्कुल सही करते हैं हुकूमत करते हैं करप्शन करते हैं बदमाशी से मुल्क चलाते हैं हुकूमतें करते हैं आम आदमी का सियासत साफत से और किसी भी वजह कोई तलक नहीं लेकिन मैं वो कुरान की आयत मेरी नज़र से गुजरी मैं इसका तर्जमा पड़ रहा था कि मेरे बंदो अल्लाह कहता है अपनी जानों पर ज़्यादी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना कि बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्शने वाला और वही सबसे रहमान मतलब ये आपको मायूसी से निकालती हैं ऐसी चीज़ें मैं आजकल दोबारा करबला और शाम के और कोफ़ा के वाक़ पढ़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ वो कौन से अवामिल थे कि जुल्म और बरबरीत इस हद तक पहुँची कि करबला के बाद भी इमाम हुसैन के ख़ानदान के लोगों को रोने नहीं दिया जाता था वो छुप छुप कर रोया करते थे वो जुल्म और बरबरीत के इब्न ज़्यादात के दौर में जो गायब हैं उन्हें छोड़ें जो हाजिर हैं उन्हें सजा दें यानी रिश्तेदारों को करीबी दोस्तों को उठा लें खैर वो तो बड़ी बड़ी अस्थियाँ और बड़े ख़ास लोग थे उनके दर पर जाने वालों के जूतों के हम खाक के बराबर नहीं कुछ दोस्तों का लेकिन कहना है कि जब पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत ना करो मैंने पूछ रहा क्यों भाई कहता है जब ज्यादा मोहब्बत करोगे शिद्दत से महबूबा बनाने की कोशिश करोगे तो हर उस शख्स के किरदार से नफरत होगी जो इसका दुश्मन है इसके लोगों का खैर हुआ नहीं है इसीलिए बेजाती बात भी मैं बताता चलूँगा आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लेकिन कि तलखी और सख्ती ये इंपॉर्टेंट हुकूमत हमें कह रही है बोल नहीं सकते आप इंपॉर्टेंट हुकूमत रोक रही है मुझे प्रेशर डाल रही है मैं आपको बता देता हूँ साहब कह रहे हैं ये नहीं कहना वो नहीं कहना ये नहीं करना वो नहीं करना और दिल तो हमारा तो शक सच की बात करें एहतियात से अदब से तमीज़ से बेहतरीन अफाज़ के चुनाव से वरूर करूँगा मैं इन कोई मुतबरक हस्ती का जिक्र नहीं ऐसा कोई ऐसी बात नहीं मैं करूँगा लेकिन आप समझदार हैं बूढ़े माँ बाप इस उम्र में आपको पता है जलील नहीं करवा सकते ये खुद गर्जी में आता है और फिर सारी मेहनत भी उनकी खिदमत जो की है वो भी ज़ाया हो जाए और जहाँ तक वापस आने की बात हो आऊँगा ज़रूर लेकिन अभी मैं फ़िलहाल मैं अपने हथियार पर ईंट बनवाने का दिल नहीं कर रहा मेरा भी मज़दीद बच्चों की ख्वाह है सच्ची बात बताऊँगा कुछ साल बाद इन शाह जो जरूर आऊंगे फिर जो मर्जी कर लेना जरदारी शरीफ को मैं उनको जो कह रहा हूँ आल शरीफ को थोड़े को आप ज़्यादा जाने बहर आप समझ गए होंगे इनशाला लेकिन इस प्रेशर को भी इनशा यह वक्त भी गुजर जाएगा मुस्लिम नून की बात करते हैं रियासी जबर इन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी का इकतदार कहते हैं बढ़ाना है भुट्टो की तरह अगले दस साल तक जरदारी का जो छक्का है उसे उसदार में बढ़ाना है क्योंकि यही लोग हमें रोक रहे हैं ना तो फिर हम भी किस तरह की बातें उनकी करेंगे अमरीका की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है देखिए अमरीका की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में अमन ना हो अब ये चीन और रूस के अखबार रंजीम चेंज पर खुलकर एक बात कह चुके हैं कि आपके मुल्क में रंजीम चेंज बाद बदमनी फैलाई जाएगी उसमें बराह रास्त अमरीका होगा जब कल आदम तरीके तालिबान तरीके ालमान बल्कि मैं कहता हूँ उन्होंने बड़ा किया माजी मुजात की जब उनसे बातचीत चल रही थी तो इमरान खान ने भी उनसे बातचीत की गुड और बैड का फ़र्क देखिए गुड और बैड का फ़र्क ये हमेशा रहा जो हमारे लिए गुड थे अमरीका के लिए बैड जो अमरीका के लिए गुड थे हमारे लिए बैड तो इस मसले पर चालीस साल गुजर गए कभी उनसे मुजरा कभी उनको मारा मारी कभी ऑपरेशन कभी मुझ फिर ये मतलब चलता ही रही सारे थ्रू आउट <coughs> कभी ना मार के फिर पहलू में बैठा लेते थे तो इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद ने पिछले बीस साल से आपको पता है अफगान पॉलिसी पर जो था वो पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का साथ दिया फिर इनखला हुआ अमरीका का एक खरब डॉलर पैंतालीस सौ फौजी इसमें मारे गए सबसे बढ़कर जो एक सुपर पावर का दावा करते थे वो एक रबड़ की जूती और पेवन लगे कपड़ों वालों के हाथों नहीं जीत सके हार गए और यही सबसे बड़ा आदमी है अब राना सना और ख्वाजा आसफ़ के बयान आप सामने रखे कराई की बंदूक बन बनाना जा रहे हैं हुकूमत को और अमरीका का सबसे बड़ा मसला है कि इन कालादम तनजीमों के साथ मुजाकत अगर होते हैं तो फिर सिर्फ पाकिस्तान नहीं ईरान और अफगानिस्तान में भी इन तीन ममालिक में अमन आ सकता है लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा तो इसलिए ऑपरेशन ज़रूरी है आपको पता है अमन नहीं होना चाहिए किसी सूरत में अमरीका तो यही चाहता है आप करें ज़रूर इनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड हम साथ हैं वाम साथ हैं। मुराद सईद के बारे में भी बात कर दूँ स्वात मालाकंड पिशावर में जो दहशत गर्दी के खिलाफ खड़ा हुआ था वो भी कह रहा है कि ऑपरेशन ना करें यहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड जितना मर्जी ऑपरेशन करें लेकिन लार्ज स्केल पर लोगों की जानों माल और जोश में आम को लेटरल डैमेज में लोग मारे जाते हैं मुराद सईद आपको पता तहरीक इन से और इमरान ख़ान का बड़ा करीबी साथी और ख़ुद इमरान खान ने कहा तरीके साफ के जो तगड़े लोगों को उठाया जा रहा है उसमें अली उमीन गंडापुर अब मुराद सईद के बारे में जो बात है वो पश्तों में से नामालूम अफराद की तरफ से जो कॉल लीक हुई उसमें वो उस वाज तौर पर उसे कह रहे हैं कि तुम जिस तरह आवाम को बाहर निकाल के हमारे सामने खड़े कर रहे हो तो फिर हम तुम्हें छोड़ रहे हैं मुराद सैद कह रहा है जो करना है कर लो भाई तो मुराद सईद को तो इसलिए माना जाएगा कि वो रिज्यूम चेंज आपन के बाद इमरान खान के साथ न सिर्फ चटान की तरह खड़ा है बल्कि अगली क्यादत में एक बड़ा स्ट्रॉग किस्म का कैंडिडेट भी है मतलब मैं बात कर रहा हूं इमरान खान का जानशीन भी लेकिन ये चूँकि मिडल क्लास से है इसलिए किसी का ना बाप जागीरदार ना सरमादार वो होता तो आज ये आटोमेटिकली वज़म होता अल्लाह इसको अपनी हिफ़ो मान में रखे की तरह जरदारी का छक्का जो है वो किसी तरह टांगों पर टांग रखे सैबली में बैठ के या मुफ्ती महमूद का पोता देख लें या महमूद चकजई का रिश्तेदार देख लें या इनकी हथ छुट मरीम नवाज़ देख लें भरे व जल्से में एक हाजिर ड्यूटी जज मुज़ाहिर नकवी को ख़ानदान समेत गलीस बातें मगर मजाले को पूछे आज़ाद कश्मीर के वज़ी अजम से इतना कहा कि मैं उनका धुआं निकाल दूंगा दो साल के लिए नायर ये होती है बदमाशी पावर हथ छुट लोग दूसरी तरफ टांग पर टांग रख कर बैठ के कानून दिखा रहे उनके सामने देखें ना किस तरह ये कानून एक रांड की तरह नाचता है ये उम्र मंदयाल साहब से मेरी दरख्वास्त है चीफ जस्टिस साहब से आप बड़े ताकतवर चीफ जस्टिस हैं दिले रहें बहादुर हैं खड़े लेकिन किसी ने आपको रोका तो नहीं कि मरियम नवाज़ को बुलाकर पूछें कि तुमने किस तरह तमाम ये हम बराबर जजेज़ को मुज़ाहिर नकवी को ये बात क्यों कही तुमने यही नोटिस ले लें आप इलेक्शन का लेंगे वो तो बाद की बात है सब लोग आपके साथ हैं आवाम आपके साथ खड़ी है लोग खड़े हैं लेकिन आप मरियम नवाज़ को बुलाएं तो सही क्यों नहीं आप उसे हाथ लगा सकते किसी ताकतवर शख्स बेटी कह चुके हैं इसलिए इस मुल्क के ताकतवरों का और मजबूरी ये है कि अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करें बाखुदा यकीन करें आप दिल से पाकिस्तान से मोहब्बत करें तो वाकई आपको इनके किरदार से इनके अमाल से जो पाकिस्तान मुखालिफों से नफरत हो जाएगी अब मैं सोशल मीडिया और पार्लियामेंट की बात भी करता हूँ पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है उसमें सोशल मीडिया पर बड़ी बहस हुई लीग और पीपल्स पार्टी ने कहा जी सोशल मीडिया ना हमें बख्शता है ना आपको कंट्रोल करें इस पर जनाब का जवाब था कानून बनाए अमल हम करवाएंगे लेकिन ये कानून पी डी एम कभी नहीं बनाएगी <coughs> सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए कानून इन्हें पता है इन्होंने बनाया तो सबसे पहले कि अपनी ब्रिगेड उसमें फंसेगी सबसे ज्यादा मीडिया प्रोपागेंडा ये और इनके लिफाफी सहाफी करते हैं वो जो रोज झूठ बोलते हैं वो पकड़े जाएंगे पीपल्स पार्टी के अपने सारे जाली ट्वीट्स मरियम बिलावल सबके पेड़ लोग पकड़े जाएंगे इस एक, एक ऐसी हड्डी है ना उगल सकते हैं ना निकल सकते हैं अभी देख लें भी, भी इन्हों के जिस तरह अकाउंट्स चल रहे हैं पी टी आई की सोशल मीडिया टीम जिन्होंने जितनी छान भी इनकी ढूंढ ढूंढ के थक गए लेकिन इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन पर कोई पी टी आई का बंदा नहीं मिला ये सारे पी टी एम के लोग निकले हम लोग तो इनके दिफा में इदारों के साथ खड़े हैं जो आम सहाफ़ी हैं पी टी बाकी पी टी आई और दीगर लोग तो इनके पहले से अफवाज पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है शहदा का खून इस मट्टी में शामिल हो वो तो कहते हैं हम करज़दार हैं हम इस घरौने काम में कभी नहीं है अलबतः जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनकी तकरीर पर एक पूरी फिल्म बन बन सकती है वो क्या क्या कहते रहे आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी आप बात कह रहे थे देखें वो मैं आगे बताता हूं वहां वजीर वजीरजम की गेम भी शुरू हो चुकी है लेकिन उससे पहले मकबूजा कश्मीर की पहले खबर सुने हिंदुस्तान की साइड वाला कश्मीर वहां गवर्नर सबक गवर्नर सत्यापाल मलिक क्या कह रहे हैं इतनी अहम बात कि पुलवामा में जो कश्मीर में हमला हुआ वो उनकी अपनी इंटेलिजेंस का काम है गाड़ी जिसमें तीन किलोग्राम बारूद कश्मीर के अंदर घूमती रही उन्हें पता नहीं चला अब मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत देओल उन्हें पता था सब कुछ उन्होंने इसको सत्या को कहा तुमने अपनी जबान बंद रखनी है अभी इतनी बड़ी खबर है मुझे समझ यारी कहाँ गए हमारे वो फ़िफ्थ वार के वारियर जिन्होंने लड़के हिंदुस्तान का ये प्रोपोगेंडा फ्लॉप करना था कि पाकिस्तान ने पुलवामा पर हमला नहीं इन्होंने खुद वारदात की और बालाकोट का फिर मामला हुआ गड़े मुर्दे उखाड़ने चाहिए थे ये इदारों को लेकिन वो पार्लिमेंट में बैठे नवाशिफ के दो हज़ार आठ के हम नवाशिफ कह रहे दो हज़ार आठ के हमलों में हम थे पुलवामा में हम थे नवाशिफ कह रहे हो नवाशिफ की हुकूमत मौजूद है ग़लत लोगों के साथ आप खड़े हैं इस वक्त ये कभी भी मुहब वतन नहीं हो सकते बहरल आगे चले आखिर में ख़ान की वो बात करूँगा यूक्रेन के लिए भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कुछ जंगी मीशत आपको पता है अंदाज़ में काम करती है बहुत से मुख्तु सौदे आने वाले वक्तों में न बे नकाम होंगे तहादी दुश्मनों को हथियार कौन भेज रहा है दुश्मनों को हथियार फरोख्त करने के लिए इस वक्त मीशत चलाई जा रही है अभी अमरीका दो शरिया एक अरब के यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशियटिव के नाम पर स्पॉन्सर कर चुके हैं दो शर्या एक अरब और नेपाल वालों ने तिहाती कर दी इतना असला यूक्रेन को बेचा है कि जिसका हिसाब ही नहीं है अब अगर गजबा हिंद हो या हिंदुस्तान में या अफगानिस्तान में तो नेपाल की लड़ाई तो वो अब तीन डब्बा या पीछे बजाने को जाए या ईंटें ही पड़ी हैं जो छत पर चढ़ के मारे या बांध दें क्योंकि यूक्रेन सारा मामला यूक्रेन चला गया माल रूसी हथियार वहाँ जो यूक्रेन में पकड़े जा रहे हैं चीन चीन ज़्यादा ज़्यादा उसके पाए जाते हैं इनके जो कहते हैं चीन का असला जो है वो ज़्यादा है अच्छा आज़ाद कश्मीर में वज्राजम के लिए भी खिचड़ी पकी हुई थी वहाँ तरीक़न साहब के पास बिलाशुबा बड़ी अक्सरीत है लेकिन धड़ेबंदी वहाँ पर बहुत हो रही है और सरदार तनवीर लियास को आपको पता है एक बोगस केस में नायल जो किया गया अब वहाँ तरीक के लोगों की वफ़दारियाँ तब्दील करवाने की कोशिश हो रही है फिलहाल एक मेबर भी अपोजीशन के उम्मीदवार की हमायत नहीं कर रहा लेकिन वहाँ पर बैरसल्तान है सरदार तनवीर है चौधरी इन वारोला यह फैसला साजी कर रहे हैं सब कुछ लेकिन वजारत उमा के लिए जिसका नाम इमरान खान रखेगा हाथ वही होगा अब यहाँ जिसने लोटा क्रेसी की ना उसका अंजाम बड़ा बुरा है जिस बाकियों का हाल देख रहे हैं आसिफ जरदारी की मेंटल हेल्थ इशू के बारे में बात करें ज़ैनी कैफियत बहुत ख़राब है दो हज़ार आठ की रिपोर्ट्स में देख रहा था सारी और वो उससे देखें उसका सबूत मिलता है जिस तरह वो कह रहा है कि हम बहुत मशहूर हैं पीपल्स पार्टी बहुत मशहूर है हम इलेक्शन जीत जाएंगे मतलब जहाँ उम्मीदवार ना हो जब बंदा ना हो बंदा ऐसी बातें करे तो बंदा कहता है बाकी या ज़ैनी मर्ज है या ज़ैनी हालत ठीक नहीं है तो या फिर कोई बहुत बड़ी गेम है इमरान खान के हवाले से अभी वाद लाजा के बारे में मैं देख रहा था उसने ट्वीट की कि जी खान साहब के ऊपर दशत ख़ुदकश हमला जिसमें फजलोर रहमान की जमात का नाम जिसने लगाया कि वो लोग करेंगे और ईद के दिनों में करेंगे इमरान खान पर ख़ुदकश हमला उसके बाद एमरजेंसी लगा देंगे तो ये बहरहल मैं काफ़ी फार फेस्ट है अब हो सकता है अल्लाह जान के बस को ऐसी रिपोर्ट आई हो जहाँ तक मैंने वो देखा है इस तरह की कोई चीज़ खबर नहीं है फिलहाल तो वो वो पावर में मौजूद है और सब कुछ चीज़ें उनकी सही चल रही हैं पी डी एम की एक इलेक्शन का मसला है जो कानूनी तौर पर वो लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उन्हें इतनी तकलीफ नहीं है हाँ खान बाहर निकले पूरी ताकत से अवाम को लेकर पुरान एहत करे तो फिर वहाँ से उन्हें तंगी शुरू होगी लेकिन आगे देखें ईद के बाद मामलात बदलेंगे ज़रूर ये होगा ज़रूर अब ऐसे नहीं चलेगा जैसे काम चल रहा है रमज़ान की वजह से लोग आपको पता है घरों में कैद रहते हैं और रोज़ा की वजह हिम्मत नहीं होती उसके बाद अभी आठ दस दिन ना उसके बाद फिर दमा दमस्त कल अंदर अपना ख़ास ख्याल रखें अगली वीडियो तक तकली मुझे इजाज़त नहीं Lápis.